हेलो एवरीवन माय नेम इज आस्था चौहान वेलकम टू दी दियर के जेई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के बारे में जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको दिल्ली की वो यूनिवर्सिटीज अलॉट होती है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है सो इस वीडियो में हम देखेंगे जैक क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्या है एज क्राइटेरिया देखेंगे जैक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके और जैक की इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं और एट द लास्ट फिफ्टी सीट मेट्रिक्स जैक स्टैंड फॉर ज्वाइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली और इसमें वो यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड होती है जिसको दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है आई आई दिल्ली इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ंड करती है लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनको दिल्ली गवर्नमेंट फ़ंड करती है वो इसमें इंक्लूड होती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जैक डेली डॉट एडमिशन डॉट एन आई सी डॉट इन यहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी ऑफिशियल डेटा है वहाँ से आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए सो so जो दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एट्टी फाइव परसेंट ऑफ सीट्स वो रिज़र्व हैं जिसमें आपके इनसाइड दिल्ली और एनसीटी वाले स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ सीट है वो रिजर्व है अब स्टूडेंट्स पूछते हैं फिफ्टीन परसेंट सिर्फ फिफ्टीन परसेंट में भी काफ़ी सारी सीट्स आ जाती हैं जो कि एडमिशन लेने के लिए इनफ है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्वेंटी में अपना एग्जाम दिया था और उनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है सो so ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं बात करते हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड की सो so, सबसे पहले हम देखते हैं डी टी यू आई जी डी टी यू डब्ल्यू एंड एन एस ए टी के बारे में यहाँ पर कैंडिडेट 60% परसेंट मार्क्स आने चाहिए फ़िज़िक्स uh, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में और जो इंग्लिश है वो आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और जो स्टूडेंट है वो एग्रीगेट 60% परसेंट तो मार्क्स आने चाहिए उससे अलग सेपरेटली भी सारे सब्जेक्ट्स में वो पास होना चाहिए ट्रिपल आई की बात करें सो उसमें आपके सेवेंटी मार्क्स होने चाहिए फाइव सब्जेक्ट्स में

पर कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है दैट मीन कोई एज क्राइटेरिया नहीं है अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर सो so, सबसे पहले आपका जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एडमिट कार्ड चाहिए होगा टेंथ एंड ट्वेल्थ की आपकी पासिंग सर्टिफिकेट दैट आपकी मार्कशीट चाहिए होगी करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा जिसका साइज़ फोर्टी के भी होना चाहिए कैंडिडेट्स की सिग्नेचर की स्कैन कॉपी चाहिए होती है जिसका साइज़ ट्वेंटी के भी होना चाहिए और आपकी बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए होती है अब जैक की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सो so, इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे से जो कि अब हमारी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून तक चलने वाले हैं So, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए जेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब अगर जे काउंसलिंग के हम राउंड्स को प्रेडिक्ट करें सो so, इसके फर्स्ट राउंड जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ सितंबर में पूरा हो जाना चाहिए आपको फर्स्ट वीक में जो है वो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपका लास्ट डेट ऑफ सीट फ्रीजिंग और विदड्रोल ऑफ एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा सिमिलरली सेकेंड राउंड के लिए अगर हम देखें तो ये आपका थर्ड वीक ऑफ सितंबर और फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में हो जाना चाहिए सीट जा, अलॉटमेंट uh, और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जो है वो थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में और लास्ट डेट ऑफ सीट फ्रीजिंग और विदड्रोल ऑफ एप्लीकेशन वो हमारा फोर्थ वीक ऑफ सेप्टेम्बर में हो जाएगा सिमिलरली थर्ड राउंड के हमारे सारे प्रोसेस हैं जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा हो जाना चाहिए फोर्थ राउंड की बात करें थर्ड वीक ऑफ़ अक्टूबर में इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी सीट फ्रीजिंग की लास्ट डेट आ जाएगी एंड एट दी एंड जेक का सीट मेट्रिक देखते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी यूनिवर्सिटीज के सामने उनकी सीट लिखी हुई है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 2,399 सीट्स हैं नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1,876 सीट्स अप्रोक्सीमेटली एंड इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन इसमें आपके 693 सीट्स हैं इंदिराप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली यहाँ पर आपकी 489 सीट्स हैं और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी में आपकी 755 सीट्स हैं सो आप देख सकते हैं अगर 15 परसेंट क्राइटेरिया भी है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए तो भी आपके लिए बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं दैट मीन्स 15 परसेंट वो बेचक है लेकिन आपके लिए सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो सिर्फ उतनी टोटल सीट्स होती हैं सो so, ये कोई इशू नहीं है आप अप्लाई कीजिए सो so, जेक का रजिस्ट्रेशन पीरियड आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो ऑन गोइंग है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो इससे अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या डाउट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी जेक काउंसलिंग ओनली और जोसा और सी सेब किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर क्वेरी है आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी नंबर्स ऑन दी स्क्रीन और इसके अलावा हमने एक फॉर्म भी अवेलेबल कराया है इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप उसको फिल कर देंगे जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं वो आपको खुद रीच आउट कर लेंगे सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल और इससे अलग आप हमारा इंस्टाग्राम पेज करियर के जेई को भी फॉलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग